अबे बच्चा लोग कहाँ जा रहे हो? हटो हाथ में लगा
केवल अपने हेयर कट के भरोसे गाड़ी चला रहे हैं, ये बाल मदद नहीं करेगा। आज हेलमेट खरीदेंगे जाके जनाब, ठीक है? चलिए बाकी टाइम यूज करते हो, मेरे सामने आते हो तो उड़ा देते हो हेलमेट, ऐसा क्या? ये तो पूरे टाइम यूज करते हो, इसका तो कोई टेंशन नहीं है तुम्हें। ये इसको रखे क्यों यहाँ पे? ये कोई स्टाइल स्टेटमेंट है क्या? गाड़ी चलाने के लिए इसकी जरूरत है? कहीं मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है क्या कि गाड़ी चलाने के लिए ये रखना बहुत जरूरी है? जो चीज़ जरूरी है वो तो लगाते नहीं हो, जो गैर जरूरी है उसको लेके घूमते हो। कितने का कितना 1500 का तुम ईयरफोन खरीद सकते हो, अब 500 रुपये का हेलमेट नहीं खरीद सकते? इमरजेंसी में तो और पहनना चाहिए, इमरजेंसी तो आदमी कई गाड़ी चलाएगा, तो और ज़्यादा जरूरत है उसकी। चलिए क्या काम करते हो कहाँ पे चलाएंगे? क्या मोटर पोस्ट कर रहे हो? बताओ ये हो यार, तुम लोगों का ऑडिट करोगे तुम्हारा तो भगवान और ऑडिट कर देंगे तुम्हारा। हाँ तुम लोगों का क्या वही खाता बनाओगे? तुम्हारा ही खाता नहीं बचेगा ऊपर। चलिए लगाए क्या बताओ मैं कितने के लिए रॉयल एनफील्ड 1,80,000 की बाइक ली आपने, साल में कितने सारे पार्ट मिलाए हुए हैं पार्ट, एक हेलमेट भी खरीद लेते हैं है कहाँ पे? बिलासपुर में हो यहाँ जो जी पे ऐड का एग्जाम, बाइक से आप आए हो बिलासपुर से? कितना किलोमीटर है बिलासपुर से बिलाई? 150 किलोमीटर आए हो, फिर 150 किलोमीटर हाईवे में जाओगे, 300 किलोमीटर। जब आपकी इतना लंबा जर्नी पे निकलेगा तब तो हेलमेट की और आवश्यकता, पीछे कौन बैठे हैं वहाँ? मैडम आपके भाई साहब को आपने हेलमेट चला नहीं किया आपने? 300 किलोमीटर एग्जाम दिलवाने ले आई साथ में, आपने ये नहीं कहा रोड पर कितना हो सकता है? ये तो इतना लंबा ट्रैवल बाइक पर करना नहीं चाहिए। जो लोग कर रहे हो कोई बात नहीं, तुम तो कम हेलमेट तो लगाओगे, आगे से ध्यान रखो। टूट गया, नया खरीद के मान लो इसका टूट गया, नया लोग ही लोगे, और कितना टूट गया, कब टूटे हो भाई? क्या काम करते हो? खाने में रखे हो? ये खाने में रखने की चीज है? ये भाई तुम पीछे करो, तुम लोग जरूर सामने रखते हो, तुम लोग यार अभी भी करे लोगों से वही करो, भाई रखने बहुत शुरू हो गया। बोलो बोलो बोलो, सभी जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट पहन के चलाएं, हेलमेट को ऐसे डिग्री बना रहे हैं जी भैया, हेलमेट का लॉक लगाओ, हेलमेट का लॉक लगाओ, पहले स्ट्रैप लगाओ। डिग्री में तो आप कैसे कर सकते हो यार? ये सही में प्रेस है कि एक कमाने वाला प्रेस है? कौन से प्रेस पे हो?
गाड़ी बंद हो गई है, बताएंगे महात्मा कौन से पैसे हो आप लोग। अरे नहीं हो पैसे तो अलग चलान कटेगा, क्योंकि लिख के चलना भी गलत है, जो प्रेस की विश्वसनीयता है वो भी खत्म कर भाई। भिलाई तक भाई, भिलाई तक जब इस्तेमाल करेंगे तभी ये प्रेस लगा के घूमना है, ठीक है। रायपुर जा रहे हो भिलाई तक से, गाड़ी किसकी है? इसको लगाने से और बदनामी है, कोई नाम नहीं है, इसको लगाने से क्या फायदा है बताओ? कोई फायदा नहीं है, पकड़े गए तो अपने साथ फिर बदनामी कर दी लगाया अगली बार से, ठीक है। चलिए किसी को बताइए ना, अपनी बात बोले हेलमेट तो सबसे जरूरी है, कोई वीडियो तो आएगी नहीं। बोले वीडियो में कोई वीडियो मत लो, ये भी बोलते हैं हेलमेट लगाना है समस्या हो। हाँ हेलमेट खरीदे हो, कहाँ है तो भिलाई तीन तक छूट है क्या? भिलाई तीन कोई अलग कानून से नहीं चलता भाई। हाँ बोरा ला जाने में ना परमानेंट चले जाओगे। चलिए लगाए भाई, आप लोग सिर्फ कैसे जा रहे हैं भाई? सर कैसे कहाँ जा रहे हो? रायपुर जाने के लिए हेलमेट भी चाहिए, ट्रैफिक नियम का कोई पालन तो करते नहीं हो। दो चश्मा रखे हो, हेलमेट तो एक रख लेते। मैडम आप कौन है? लड़की है, बिटिया है? बिटिया आपको पापा को समझाना चाहिए पापा हेलमेट पहने। हाँ आप हेलमेट पहनते हो नहीं पहनते? आप भी पहनो, पापा को भी समझाओ। चलिए हेलमेट का नियम है आपको पता है, फैला रहे हैं हम लोग, लेकिन आप तो अवेयर हो ही नहीं पा रहे हो। आप लोग कौन सी भाषा समझते हो? हिंदी नहीं समझते क्या? हिंदी कोई लोग हो क्या आप लोग? हाँ हिंदी में कब से समझा रहा हूँ कि हेलमेट पहना करे, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों को। वहाँ पता है 9 लोग मर चुके हैं डबरा पारा में सामने एक्सीडेंट में, पता है? कौन सी भाषा समझेंगे आपको समझाने से? हाँ काले कपड़े, काले चश्मा, काले बाल, लेकिन हेलमेट तो नहीं, तो काले घोड़े क्या?
लगाओ हेलमेट चलो अब जाता हूँ यार, समझ ही नहीं आता। अब जाता हूँ घर में, नोटिस क्या करूँगा मैं बता रहा हूँ। अब जो मुझे बिना हेलमेट के दिखेगा उसका एक नोटिस लेके उसके घर में चस्पा करूँगा। घर वाले वो मरे तो फिर आए नहीं हमारे पास, वो मर गया हमारा आदमी। अब जाता हूँ यार। मामा की तो चोट भी मामा को लगे, ऐसा हो सकता है क्या? कॉलेज तो कॉलेज वालों को हेलमेट की जरूरत नहीं है क्या? अरे भैया एडमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा भगवान के कॉलेज में एडमिशन की जरूरत पड़ेगी उसके बाद, समझ रहे हो? रहोगे तो एडमिशन लोगे ना। चलिए हेलमेट लगाइए। देखो दो बार टकरा चुके हो, दो बार गिर चुके हो, यहाँ मेरा हो रखा है। नहीं मैंने ऐसे मोड़ दिया तुमको, यानी कि दोनों ऐसे मोड़ दिया, मोड़ दिए थे। तो कहाँ है भाई हेलमेट? हेलमेट तो नहीं है। क्यों भाई, कोई छूट छूट प्राप्त इंसान हो क्या? हाँ, इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हो, हेलमेट खरीदे भी हो? है सर। कहाँ है? कहाँ हेलमेट? तो घर में सर। घर कहाँ है? आ कहाँ से रहे हो? मतलब रायपुर गए तो बिना हेलमेट के? अभी तो बिना हेलमेट के आ रहे हो। मैं तो गाड़ी लेने का, बस गलती है सर, क्या गलती है हमारी, गलती तो किए हैं। चलो भाई आगे। जी सर। किनारे का पल हेलमेट लगाए, कभी लगाए फिट बेल्ट पहले? कभी नहीं लगाए, आदत ही नहीं है, लगाना ही नहीं आता। अभी पूछ रहे हो कैसे लगाना है, क्या काम करते हो? हाँ बाहर बिलासपुर कलेक्ट्रेट में हो, सरकारी मुलाजिम हो के
कोई नियम का पालन नहीं करते हो तो और गलत है। इलाकों में जो होती इलाकों में भरवान अलग है क्या, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं होता? सुनिए जरा, इलाकों में एक्सीडेंट ही नहीं होता है या जान अपनी है, पुलिस तो अलग अलग है, हो सकती है। ठीक है चलिए, कैमरा बंद हो गया। देखो नंबर प्लेट कितना अलग था है, हेलमेट कहाँ है भाई? क्या मालूम नहीं था कि एफआईआर चेकिंग क्या है? यही मालूम नहीं था? रुक जाइए, साइड में लगा रहा हूँ, साइड में लगा रहा हूँ, रुक रुको ना, यही लगा रहा हूँ, यही उसका फाइन करना, फाइन करना। हाँ पकड़ उसको, भागोगे भगवान जी देख रहा है ऊपर, तुम तो तोड़े हो तुम लोग। सर ये लोग पहने हैं, इन लोग लगाते हैं बहुत सारे लोग। चलिए गुड, हेलमेट लगा के आए हो आप? कितने वर्षों से हेलमेट लगा रहे हो? 10 साल हो। 10 साल से लगा रहे हो, कभी तकलीफ हुई हेलमेट लगाने से? बाल उड़ गए हो, पर दर्द की तकलीफ हो, दिखता ना हो? नहीं, वेरी गुड। गलत है।